आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। दूर खालसा स्कूल के गेट के पास ही पेशाब करने के लिए गए, वहाँ धमाके की सी आवाज़ होती है। हमने झांक के देखा तो इतने में ये हम समझे कि जो आतिशबाजी हो रही है, इतने में खुद ही भागते हुए आगे चलते हुए कि मेरे को आवाज़ लगा के बोला, शाह जी मुझे किसी ने कमर में गोली मारी है। उसके रीजन क्या है, कौन था पीछे, बस ये सुकून मिलेगा। हाँ जी ये पता तो लगना चाहिए। अब ये तो हम ता जिंदगी बस यही सोचते रहेंगे, हमारे भाई को किसी ने पीछे से गोली मार दी, वो पता ही नहीं लगा। ये जो मर्डर हुआ ये पहली बार हुआ है हमारे यहाँ दरियागंज में। अगर स्ट्रीट लाइट पर कैमरे होते तो शायद मुलजिम पकड़े जाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मैं हूं आपके साथ शक्ति सिंघानिया। एक नया दिन, नया जुर्म और एक नई स्टोरी के साथ दिल्ली अप टू डेट समाचार पत्र की टीम आपके लिए हाजिर है। इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के दरियागंज में, जहां से एक दिल दहला देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, यहाँ पर रह रहे एक शख्स जिनका नाम मोइनुद्दीन कुरैशी बताया जा रहा है, उनको कल दो लोगों ने गोली मार दी जिससे उनकी मौके वारदात पर मौत हो गई। आपको सारा मामला बता देते हैं। मोइन जी वर्कशॉप में अपना काम कर रहे थे, तभी वो पेशाब करने के लिए एक कोने में गए, जहां पर जब वो पहुंचे तो वहां पर दो शख्स आते हैं और उन पर फायरिंग कर देते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि जहाँ पर यह पूरी वारदात हुई है वहाँ से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर डीसीपी ऑफिस है, और तो और जहाँ पर यह वारदात हुई है वहाँ पर ना ही कोई एक ठीक ढंग से सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, ना ही वहाँ पर ठीक ढंग से कोई भी स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, जिस वजह से सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी वारदात अच्छे से कैद नहीं हो पाई और ये आधे ढंग से कैद हुई है। इस वक्त हमारे साथ मोइन जी के परिवार के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या था पूरा मामला। इस वक्त हमारे साथ मोइन जी के छोटे भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जो कि उस वक्त घटना स्थल पर थे और यही वो शख्स हैं जो अस्पताल ले गए थे मोइन जी को, तो इनसे बात करते हैं। सर ये कितने बजे का मामला है? ये रात को 10 बजे का मामला है। अच्छा, 10 बजे तक क्या हुआ था? हम अपनी वर्कशॉप के अंदर बैठे हुए थे, रोज़ की तरह बंद करने की तैयारी हो रही थी। ये उठ के बाहर गए पेशाब की हाजत के लिए, थोड़ा दूर खालसा स्कूल के गेट के पास ही पेशाब करने के लिए गए, वहाँ धमाके की सी आवाज़ होती है। हमने झांक के देखा तो इतने में ये हम समझे कि जो आतिशबाजी हो रही है, इतने में खुद ही भागते हुए आगे चलते हुए कि मेरे को आवाज़ लगा के बोला, शाह जी मुझे किसी ने कमर में गोली मारी है जी। अच्छा, तो कितने राउंड फायर किए गए? ये हमने दो राउंड फायर सुने, एक की धमाका बहुत तेज़ था, एक का धमाका हल्का था। अच्छा, कितने लोग थे इन सारी जो चश्मदीद लोगों में आसपास मौजूद थे? वो दो लोग बता रहे हैं मोटरसाइकिल पे। अच्छा जी, तो इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी आया है? सीसीटीवी फुटेज अभी एक आध हमें दिखाया है, बाकी अभी पुलिस ने डीवीआर वगैरह जब्त किए हैं, उसके बाद दिखाएंगे। अभी तो हम तदफीन के बाद, उसके बाद कुछ पुलिस के अंदर जाके बात की जाएगी। सर गोली कहाँ लगी थी? कमर के अंदर। अच्छा, कमर के अंदर पीछे से गोली मारी गई। पुलिस को इतला कर दिया गया है? सब कुछ पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी आ गई है घर पे। अच्छा, तो पुलिस का क्या कहना है, कार्रवाई कैसी चल रही है? सर पुलिस का कहना है कि कार्रवाई चल रही है, अभी आपको तदफीन के बाद वो हमको कुछ फुटेज दिखाएंगे, कुछ उन्होंने निकाल रखा है तो हमसे पहचान कराएंगे, कुछ लोगों से उन्होंने तफ्तीश करी है बुला के भी, कुछ लोगों को थाने में बिठा रखा है, उसके बाद अभी कोई निर्णय निकलेगा नहीं, देख बताएंगे फिर उसके बाद। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा मोहम्मद आसिम नाम है। अच्छा आसिम जी, इस पूरे हादसे के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर मैं अपने घर पे था और मेरे बड़े भाई हैं, घर मेरा ये बिल्कुल सामने एक दीवार है, मैं घर पे अपने बैठा हुआ था, मेरे पास कॉलिंग आई किसी की, कहेंगे मोइन भाई के ऐसे से फायर हो गया, मैं एकदम उस पर चिल्लाने लगा, मैंने तुम ऐसा हो ही नहीं सकता, घर पे तो रोने धोने की आवाज़ आ रही थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं होता, कोई मजाक कर रहा होगा किसी ने, कहने तुम कंफर्म तो करो। अब मैंने घर पे फ़ोन करा, कोई उठा नहीं रहा, मैं खिड़की में देखने मैंने आवाज़ लगाई, कोई सुन नहीं रहा, तो मैंने रशी भाभी को फ़ोन करा, कहने आसिम, मैंने आसिम बात कर रहा हूँ, क्या हो गया खैरियत,
अकेले, वो तो ऐसा उसे गोली लग गई उनके और हॉस्पिटल में। मैं एकदम जल्दी से कपड़े पहने, फटाफट सीधा LNJP हॉस्पिटल गया। वहाँ पर तो वहाँ तो बिल्कुल ही एक डेथ क्लियर हो गया। हमारे तो यकीन ही नहीं आ रहा बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना एक भरोसा, बिल्कुल शॉक्ड हो गया एकदम, बिल्कुल क्या हो गया ये, कुछ कह नहीं सकते बिल्कुल भी। अच्छा, मोइन जी के परिवार में और कौन कौन है? उनके दो बेटे हैं, एक बेटी है और वाइफ। हाँ वाइफ है उनकी, वाइफ को उनके चाय के चाचा हैं, उनके शाजी भाई हैं छोटे, ये दो भाई हैं शाजी भाई और मोइन भाई। अच्छा, किसी प्रकार की इस इलाके में कोई आपसी रंजिश? नहीं कोई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हंसी मजाक करो। उनका टाइमिंग यही था 9:30-10 बजे के बड़ा, मैं यही रहता था ऑफिस में, घर गया मिलते थे, सलाम दुआ करिए अपने सीधे घर पे, और कभी होते हंसी मजाक को नहीं लगता था, और आजम कैसा है सब बढ़िया ये बिल्कुल। अच्छा, इलाके में तो कोई नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि वो एक गेस्ट हाउस भी चलाते थे, तो कभी सुना ऐसा कि उधर पर किसी से वाद विवाद किसी तरह का? गेस्ट हाउस में देखिए ऐसा कुछ है नहीं, गेस्ट हाउस इतना कोई वो नहीं था, गेस्ट हाउस में अपना टाइम पे जाते थे, छोटा वाला बेटा इनका गुल वो जाता था गेस्ट हाउस में, मॉर्निंग में आके अपने आ जाते थे गेस्ट हाउस में। कोई किसी से हम सोच ही नहीं सकते इनका कुछ होगा किसी से, एक तो होता है कुछ लगता है गुस्से वाले, कुछ नहीं, सलाम हुआ सब से हंसी मजाक करते हुए, कुछ ऐसा हम तो बस यही है, यकीन नहीं हो रहा, यकीन बिल्कुल भी नहीं हो रहा, बस ये है पुलिस से पता लगवाइए, ये तो आप पे मीडिया वाले हैं, उनको पता लगवाइए, क्योंकि हमें पता तो लगना चाहिए हमारे भाई, जो हमारा भाई हमें छोड़ के चला गया उसके रीज़न क्या है, कौन था पीछे, बस ये सुकून मिलेगा। हाँ जी ये पता तो लगना चाहिए, अब ये तो हम ता जिंदगी बस यही सोचते रहेंगे हमारे भाई को किसी ने पीछे से गोली मार दी, वो पता ही नहीं लगा, बस ये है आपसे रिक्वेस्ट है ज़रा इस पर वो करिएगा हमारा। तो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक तरह से हो रही है? पुलिस तो कर रही है, मगर अभी पुलिस तेज़ी से काम करने लगे स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कैमरे आप ये देख रहे हैं सारी जगह कैमरे लगे हैं, पूरे दरियागंज कैमरे से, और दूसरे बैरिगेड सारे ही रास्ते में लग जाते हैं 10 बजे के बाद से। अब वो भाग के कहाँ गए फुटेज कैमरे से ये पता तो लगना चाहिए, किधर गए कहाँ गए ये तो पता लगना चाहिए। यानी सीसीटीवी जो है जगह जगह पर लगे हुए हैं, तो कह सकते हैं कि थोड़ा पुलिस को आसानी होगी पकड़ने में मुजरिम? चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, और नहीं चाहे तो कुछ नहीं हो सकता ना, मेरा भाई तो चले गया वो तो आ नहीं सकता, अब पुलिस पे हम तो डिपेंड है, पुलिस अपना कार्रवाई करे तो बहुत अच्छा रहेगा, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस से इस काम को फास्ट करवाए, बहुत जल्द से जल्द जो कातिल जो करा है ना फायर जो उन्होंने वो पकड़े जाएँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उजैर है। तो मोइन जी को आप कैसे जानते हैं? मोइन साहब से मेरी रिश्तेदारी भी है और मैं पड़ोस में ही रहता हूँ, पास में रहता हूँ। अच्छा, तो इस पूरी हादसे के बारे में आपको कब पता चला और कैसे पता चला? ये मुझे तकरीबन 10:30 बजे फ़ोन पे मैसेज आया, जो क्योंकि हम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप में मंसूर साहब हैं हाजी होटल वाले, उन्होंने ग्रुप में डाला, उनसे पता चला कि भाई ऐसे उनकी गोली लग गई है, जब तक ये नहीं था कि उनकी डेथ हो गई है। फिर आधा एक घंटे बाद फिर उनका एक वॉइस मैसेज आया कि भाई उनका इंतकाल हो गया है। अभी तक पता चल पाया है सर क्या कहते किसने मारा है उनको? नहीं अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। और जब ये सब हुआ उस वक्त पर कितने लोग मौजूद थे कुछ पता है? ये तो वैसे तो नहीं मालूम, लेकिन अभी सीसीटीवी फुटेज आ गई है, वो हमने देखी भी है, तो उसके अंदर जब वो ये दिखाई दे रहा है कि भाई जब वो पेशाब के लिए गए और दो लड़के थे, एक सामने खड़ा था एक पीछे से बाइक पे आता है, वो ऐसा अंदाज़ा हुआ हमें उस फुटेज को देख के, तो वो लोग जो है मार के चले गए, और फिर वो जो जब उनके गोली लगी उसके बाद भी वो थोड़ी दूर पैदल चल के आए, और फिर इतने में जैसे गोली की आवाज़ सुनी तो बहुत सारे लोग जमा हो गए वहाँ, तकरीबन 20-25 आदमी तो एकदम से फौरन ही जमा हो गए थे विद इन 10 सेकेंड। अच्छा, तो इलाके में जैसे आप उनके पड़ोसी हैं, इतने लंबे समय से आप उनको जानते हैं, रिश्तेदारी भी है आपकी, तो क्या उनकी किसी से कोई आपसी रंजिश? कभी नहीं सुना, बहुत अच्छे आदमी, कभी ऐसा नहीं सुना कि भाई उनकी किसी से लड़ाई हुई हो, उनको तो सिर्फ यहाँ से वर्कशॉप जाते थे, पतंगबाजी का शौक उनको था, पतंग वो छत पे उड़ाते थे पतंगबाजी, बाकी अपने रात में अपना घर आ जाते थे, कोई कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। इस वक्त हमारे साथ मोइन जी के पड़ोसी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर आपने क्या देखा था? ऐसा था कि देखा तो हमने 10 बजे के करीब था, गोली की आवाज़ आई, लेकिन हमें लगा कि जैसे हमारी वाटिका के अंदर आतिशबाजी चलती है, शादी भी हमें कि आतिशबाजी छूट रही है, लेकिन मोइन भाई ने आवाज़ दी अपने जो वहाँ वर्कशॉप में काम करता है कमाल को, कमाल मेरे गोली लग गई, तो जब तक वो मतलब पेशाब करके गाड़ियों के बीच में पेशाब करके आए तो खड़े रहे 2 मिनट, 2-3 आदमी पकड़े रहे, उसके बाद वो फिर बराबर में आके ढेर नीचे गिर गए, तो उनके छोटे भाई जो थे शाजी भाई और वो और उनके पार्टनर है साजिद भाई, वो उनको गाड़ी निकाल के लाए, गाड़ी से लेकर LNJP भी चले गए, उसके आधे 5 घंटे बाद उनकी डेथ की खबर आ गई वहाँ से।
जब उन्हें गोली लगी थी उस वक्त आप कहाँ थे सर? मैं अपने घर पे था, मैं बिल्कुल बराबर में घर है। अच्छा, एक, में आपका। एक एक ही दीवार है उनकी वर्कशॉप की, मेरे घर की एक ही दीवार है। हाँ, जब हमने देखा जालियों में से तो देखा तो वो खड़े थे, फिर एकदम से बैठ गए, पजामा पकड़े थे क्योंकि पेशाब पड़ने गए थे वो, तो वो पकड़े पजामा आ गए थे वो, तो इतनी देर में वो भाग गए जिन्हें गोली मारी। कि हम अंधेरा, देखिए मैं बताऊँ आपको क्या है सबसे बड़ी बात, ये वहाँ पर अंधेरा रहता है, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, अच्छा कैमरे नहीं है। हम डेढ़ साल से हम बराबर कोशिश कर रहे हैं वहाँ ऑन रिकॉर्ड, वहाँ के जो जंगपुरा के MLA है प्रवीण कुमार देशमुख, उससे हम बराबर कोशिश कर रहे हैं स्ट्रीट लाइटें लगवा दो, यहाँ पर कैमरे लगवा दो। वहाँ गाड़ियाँ चोरी होती थी, वहाँ पर शीशे उतरते हैं गाड़ियों के, लेकिन ये वारदात हमारी ज़िंदगी पहली बार हुई है, मतलब ये जो मर्डर हुआ है ये पहली बार हुआ है हमारे यहाँ दरियागंज में। और हम बराबर कर, हमने उनको 15 मई तक की डेडलाइन भी दी हुई है कि हमें CCTV कैमरे जो दिल्ली सरकार के लगवाएं, स्ट्रीट लाइट लगवाएं, अगर स्ट्रीट लाइट कैमरे होते तो शायद मुलजिम पकड़े जाते, लेकिन प्रवीण देशमुख ने लगवाई नहीं, जो वहाँ का विधायक है जंगपुरा का, उसने लगवाई नहीं अभी तक, डेढ़ साल से हम कोशिश कर रहे हैं उसकी। तो यहाँ पर हमने परिवार के लोगों से बात की, इन्होंने बताया कि मोइन जी की किसी भी प्रकार की कोई आपसी रंजिश नहीं थी। साथ ही साथ अब यहाँ पर जो भी वारदात हुई है, जिस जगह पर ये हुई है वहाँ से 200 से 300 मीटर की दूरी पर महज DCP ऑफिस है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं परिवार के लोगों से हमें बात करने पर पता चला, उन्होंने बताया कि उन्हें पुलिस की कार्यवाही पर पूरा भरोसा है, साथ ही साथ उन्हें कानून पर भी पूरा भरोसा है। आप भी इन परिवार लोगों की मदद कर सकते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, और ऐसे ही अपटूडेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अपटूडेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अपटूडेट।